आखिर क्या है D2M टेक्नोलॉजी? जी हाँ, बिना इंटरनेट आप अब मोबाइल पर देख पाएंगे लाइव वीडियो और देश का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती इस पर काम कर रहे हैं। डॉट ने पिछले साल ही IIT कानपुर के साथ इस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग के लिए साझेदारी की थी। डॉट ने इसके लिए एक कमेटी भी गठित की है। आखिर क्या है ये D2M टेक्नोलॉजी और बिना इंटरनेट के कैसे होगा, ये जानने के लिए हम आपको बताते हैं। एक्चुअल में ये टेक्नोलॉजी कुछ वैसे ही काम करेगी जैसे फ़ोन में FM रेडियो चलते हैं। D2M यानी डायरेक्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी को ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट से मिलकर बनाया जाएगा। डॉट और प्रसार भारती इस पर काम कर रहे हैं और IIT कानपुर से ये साझेदारी हुई है। सीधे शब्दों में कहें तो बिना इंटरनेट केबल या DTH के ही आपको मोबाइल फ़ोन में सीधे न्यूज़, क्रिकेट आदि की सुविधाएं मिल जाएंगी। साथ ही बिना इंटरनेट सीधे आपके फ़ोन पर फिल्मों से लेकर हॉटस्टार, सोने लिव, G5, अमेज़न प्राइम या और भी मल्टीमीडिया कंटेंट प्रसारित किए जा सकेंगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप अपने फ़ोन पर FM रेडियो सुनते हैं, जिसमें फ़ोन के अंदर मौजूद रिसीवर रेडियो फ्रिक्वेंसी में बदलाव कर देता है। इससे लोग एक ही फ़ोन पर कई FM चैनल सुन सकते हैं। इसी तरह D2M के जरिए मल्टीमीडिया कंटेंट को भी फ़ोन में सीधे ब्रॉडकास्ट किया जा सकेगा। दरअसल ये टेक्नोलॉजी ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट को मिलकर ही बनेगी। वैसे माना जा रहा है कि इससे मल्टीमीडिया कंटेंट बिना बफरिंग के अच्छी क्वालिटी में प्रसारित होगा, क्योंकि इसमें कोई इंटरनेट डेटा लगेगा ही नहीं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि नागरिकों से जुड़ी किसी खास जानकारी को सीधे उनके मोबाइल पर प्रसारित किया जा सकेगा, जिससे फेक न्यूज़ रोकने, इमरजेंसी अलर्ट जारी करने और आपदा प्रबंधन में सहायता करने में मदद मिलेगी। अब आपको लग रहा होगा कि इसका पैसा कितना है, तो भैया सबसे खास बात इसकी यही है कि ये सुविधा बेहद कम कीमत में मिलेगी। इससे ग्रामीण इलाकों में मौजूद वे मोबाइल कंज्यूमर्स भी आसानी से वीडियो कंटेंट देख पाएंगे जिनके पास इंटरनेट की सुविधा सीमित है। इसका सबसे बड़ा फायदा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को हो सकता है, जो D2M टेक्नोलॉजी से वीडियो ट्रैफिक को अपने मोबाइल नेटवर्क से ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पर ऑफलोड कर सकते हैं। इससे उनकी कीमती मोबाइल स्पेक्ट्रम को बचाने में मदद मिलेगी और इससे मोबाइल स्पेक्ट्रम के उपयोग में सुधार होगा और बैंडविड्थ पर दबाव घटेगा, जिससे कॉल ड्रॉप को घटाने और डेटा स्पीड को बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स वाले देश में शामिल है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अनुसार देश में 1.2 अरब मोबाइल फ़ोन हैं, जिनमें करीब 75 करोड़ स्मार्टफोन हैं। देश में 80% से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स अपने मोबाइल पर इंटरनेट एक्सेस करते हैं और भारत में 82% इंटरनेट ट्रैफिक वीडियो का है। देश में हर सेकेंड 10.1 लाख मिनट के वीडियो देखे जाते हैं, जो कि एक महीने में 60 अरब DVD देखे जाने के बराबर है। हर महीने 240.2 एग्जाबाइट या करीब 240.2 अरब गीगाबाइट डेटा इस्तेमाल होता है और लाइव इंटरनेट वीडियो ट्रैफिक 2017 से 2022 के दौरान 15 गुना बढ़ गया है। कोरोना महामारी के दौरान हेल्थ, एजुकेशन जैसे विषयों से जुड़े वीडियो का कंजम्पशन तेजी से बढ़ा है, जिससे डेटा में काफ़ी सुधार होने की उम्मीदें आई हैं।